और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर के करीब यह सीज फायर तोड़ा गया। एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पहले फायरिंग की और इस दौरान दो घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश भी की है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की एक कोशिश हुई है। एक तरफ से पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की भारतीय पोस्ट में गुरेज सेक्टर के करीब यह फायरिंग हुई और इसके बाद आतंकियों की इसके जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जवाबी फायरिंग की और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। भारत की तरफ से फायरिंग हुई है, जवाब दिया गया है। एलओसी पर दो घुसपैठियों को भी इस दौरान देखा गया है। सुरक्षा बलों ने इसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया है। गुरेज में बखतूर सेक्टर के पास ये हुआ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वनी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, अभी क्या स्टेटस है? किसी दरअसल बीती रात ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी भारतीय चौकियों पर और उस बीच उसका जवाब भारत की सेना ने भी दिया था। लेकिन यहाँ पर जो चिंता की बात ये हुई है कि कुछ घुसपैठ इस फायरिंग की आड़ में हुई है और सेना का कहना है कि फिलहाल उन्होंने इलाके की घेराबंदी की है। बखतूर गांव है, बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ, जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठिए उस गांव के पास घुसाए हैं। फिलहाल उस पूरे इलाके की घेराबंदी की है सेना ने और हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है और सेना की तैनाती वहां बढ़ाई जा रही है और तलाश जारी है कि अगर घुसपैठ हुई है तो उनको किस तरह से पकड़ाया मार गिराया जाए। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी की है। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर पिछले कई दिनों से, खासतौर से पिछले रविवार को जब उरी में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद काफी तनाव बना हुआ है नियंत्रण रेखा पर। अभी फिलहाल ये उरी और नौगाम सेक्टर तक महदूद था, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये कहीं ना कहीं इसकी गतिविधि गुरेज सेक्टर में भी देखी जा रही है, जहाँ पर सेना का एक बड़ा अभियान घुसपैठ के खिलाफ जारी है। शुक्रिया।